आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। ऊर्जा रोड पुलिस ने 25 लाख रुपए का 2.5 क्विंटल गांजा पकड़ा। छतरपुर में ऊर्जा रोड पुलिस ने 25 लाख रुपए का 2.5 क्विंटल गांजा पकड़ा, जिसके बाद एसपी सचिन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया। नारकोटिक्स लखनऊ की टीम की गाड़ी को टक्कर मारकर भाग रहे ट्रक को ओरछा रोड पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने ट्रक की तलाशी में पकड़ा 25,04,000 की कीमत का 2 क्विंटल 50 किलो 400 ग्राम गांजा। उड़ीसा से ट्रक में लाया जा रहा था गांजा। नारकोटिक्स लखनऊ की टीम लगी थी ट्रक के पीछे। घेराबंदी टीम में थाना प्रभारी ओरछा रोड आनंद सिंह परिहार, एएसआई मदन मोहन दुबे, हेड कांस्टेबल अशोक पटेल, किफायतुल्ला बेग, आरक्षक दिनेश सिंह, प्रमोद दांगी, देव सिंह, महिला आरक्षक स्वीटी, साक्षी की रही अहम भूमिका। छतरपुर जिले में थाना ओरछा रोड अंतर्गत आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पंजाब नंबर का वाहन एनसीबी की जो गाड़ी है उसको टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस ने यहाँ नाकेबंदी लगाई और जैसे ही इन लोगों को रोका, तलाशी ली गई विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए, तो ये पाया गया कि लगभग 2 टन से ऊपर का गांजा इस ट्रक में था, जो कि पंजाब पासिंग की थी। और इसमें जो दो आरोपी थे जो इस वाहन को चला रहे थे, दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई। दोनों अमृतसर के हैं और अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि ये उड़ीसा से चला था और यहाँ पे पहुँचा था। इसमें कई अभी विवेचना के बिंदु हैं जो आगे करना शेष। कीमत सर कितनी होगी और कहाँ जा रहा था? इसकी जो कीमत है 25 लाख के ऊपर है। और ये कहाँ जा रहा था, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था और इससे पहले इनके द्वारा क्या क्या अपराध किए गए हैं, ये सब विवेचना के बिंदु हैं।